देवात्मा की गोद में बसा विशिष्ट साधना केंद्र मुनस्यारी। जीवन में जब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, तब आप दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही एक दिव्य स्थल की आध्यात्मिक यात्रा पर हम आपको लेकर चलते हैं, जहां आप अध्यात्म के उस शिखर का बोध करेंगे, जहां सोहम की साधना परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, जहां मुनस्यारी गांव में कभी श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र की कल्पना की थी, जहां साधकों को उच्च स्तरीय साधना कराकर उन्हें आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ मानसिक स्थिरता प्रदान की जा सके। इसके लिए उन्होंने हिमालय की चोटी पर बसे मुनस्यारी गांव में गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना की। आखिर श्रद्धे ने मुनस्यारी में ही चेतना केंद्र स्थापित करने का विचार क्यों किया? तो इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण है। ये वो जगह है जहां हमारे ऋषि मुनियों ने महान तप किया है। इस दिव्य क्षेत्र में ऋषि मुनियों की तप शक्ति और ऊर्जा इष्ट से एकाकार कराने में सतत प्रेरित करती है। आइए अब हम आपको मुनस्यारी साधना केंद्र की संपूर्ण जानकारी देते हैं। गायत्री चेतना केंद्र मुनस्यारी का संचालन मातृ संस्था शांति कुंज हरिद्वार द्वारा किया जाता है। यहाँ की उच्च स्तरीय साधना के लिए शांति कुंज शिविर विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद शिविर विभाग के द्वारा आपसे फोन पर चर्चा करके आपकी साधना की योग्यता को जांचा परखा जाता है। योग्य पाए जाने पर ही आपको शांति कुंज बुलाया जाता है, जिसके बाद यहाँ एक अनुशासन गोष्ठी होती है और फिर एक बार पुनः शांति कुंज स्थित जन्म शताब्दी चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराना होता है। परीक्षण में सब सही पाए जाने पर ही आपकी मुनस्यारी की आध्यात्मिक साधना का सफर शुरू होता है। शांति कुंज के एक प्रशिक्षित टोली नायक के नेतृत्व में साधकों के दल को निर्धारित तिथि और समय पर मुनस्यारी के लिए रवाना किया जाता है। शांति कुंज से मुनस्यारी पहुंचने में 2 दिन का समय लगता है। रात के वक्त पहाड़ों पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रास्ते में रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन प्रातः यात्रा आरंभ कर शाम तक मुनस्यारी पहुंचा जाता है। रास्ते की थकान मिटाकर यहां से शुरू होता है साधकों के उच्च स्तरीय जप तप के साथ विशिष्ट साधना का क्रम। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मबोध की साधना के साथ साधकों का जागरण होता है। इसके बाद कल्कपान यानी औषधि युक्त पेय का सेवन कराया जाता है, फिर योग्य प्रशिक्षक द्वारा प्राणायाम का क्रम संपन्न होता है। तत्पश्चात युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ऑडियो संदेश द्वारा विशेष ध्यान साधना करवाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध पंचाचुली पर्वत के सानिध्य में गायत्री महायज्ञ में अनुष्ठान की सफलता एवं सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव के साथ आहुतियां दी जाती हैं। इसके पश्चात पुनः औषधि युक्त प्रज्ञा पेय के साथ अल्पाहार होता है। अल्पाहार के बाद मंदिर परिसर में साधक विशिष्ट साधना में निरत हो जाते हैं। उसके बाद भोजन प्रसाद विश्राम स्वाध्याय मंत्र लेखन के साथ साधना का क्रम चलता है। फिर मंदिर परिसर में नित्य प्रति सामूहिक श्रमदान में सभी साधक अपनी भागीदारी निभाते हैं। मुनस्यारी के इस गायत्री चेतना केंद्र में प्रातः 4:30 बजे के जागरण से लेकर 8:30 बजे शयन तक प्रत्येक साधक को उच्च स्तरीय जप तप साधना स्वाध्याय एवं मंत्र लेखन आदि में समय व्यतीत करना होता है। इस दिव्य स्थल पर ध्यान और जप साधना के दौरान अलौकिक सत्ता ऋषि मुनियों की दिव्य अनुभूति अध्यात्म की उस ऊर्जा की ओर अग्रसर करती है, जिसे पाने के लिए मनुष्य वर्षों वर्षों से साधना करते आ रहे हैं। विशिष्ट मौन साधना के दौरान हिमालय के पंचाचुली पर्वत के सामने नित्य हवन उस दिव्यता का एहसास कराता है, जहां हमें अपने स्वत्व का बोध होता है। साधना के दौरान चेतना केंद्र की टीम द्वारा
यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं पहले से ही पूर्ण कर ली जाती हैं। सुबह शाम चेतना केंद्र में प्रतिष्ठित आद्य शक्ति माँ गायत्री की आरती होती है। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा करवाई जाने वाली विशिष्ट ध्यान साधना में साधक गोता लगाते हैं। उसके बाद पुनः विशिष्ट साधना का समय होता है। इस तरह दिन के एक एक मिनट के समय का उपयोग साधक करते हैं और पूरे 5 दिनों तक मौन रहकर जप तप और साधना करते हैं। उल्लेखनीय है कि शांति कुंज हरिद्वार पहुंचने पर शाम को अनुष्ठान गोष्ठी होती है। इसके साथ ही साधक का साधना काल आरंभ हो जाता है और मुनस्यारी से वापस शांति कुंज पहुंचने पर साधना का समापन होता है, यानी कि यात्रा काल को भी साधना का ही हिस्सा माना गया है। सुनारी धाता फतेहपुर गायत्री परिवार से, पहले 9 दिन के सत्र यहाँ 2-3 बार किए, पर जो अनुभूति हमें मुनस्यारी, यहाँ के बाद मुनस्यारी गए, मुनस्यारी में स्थान विशेष का अपना महत्व होता है। वहाँ का वातावरण, ऋषियों की तपस्थली और उसका जो सूक्ष्म संरक्षण वहाँ पे मिला, ध्यान का जो आनंद वहाँ पे हुआ वो कहीं पे नहीं हुआ। हिमालय में बैठते ही ध्यान लग जाना, ध्यान का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और ध्यान के माध्यम से हमें परम पूज्य गुरुदेव जी के जीवन का जो अनुभव, तप का जो ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने आप में धन्य हो गए और उस ऊर्जा के माध्यम से हमें अपने आप में जो अनुभूतियाँ हुई वो अनुभूतियाँ कहने का विषय नहीं है, अपने आप में एक आनंद का अनुभव है। और जिस प्रकार उपासना के माध्यम से लकड़ी के अंदर बहुत से अंगारा बनने की संभावना रहती है, उसी तरह मनुष्य भी यदि सही रूप से मुनस्यारी जैसे क्षेत्र में, तपस्थली में, तीर्थ में यदि उपासना करता है तो उसका फल कई गुना तुरंत प्राप्त होता है। अन्य क्षेत्रों में स्थान का उतना महत्व नहीं है जितना कि वहाँ के वातावरण और उस तपस्थली का महत्व है। यहाँ पे उतना मन नहीं लगता था जितना कि वहाँ पे साधना मन लगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वहाँ का विषय ये था कि जो मौन साधना हमने जीवन में पहली बार किया है उसका अपने आप में बहुत ही गहरी अनुभूति हुई है और उन अनुभूतियों को अंदर ही उसको पचाया जा सकता है और उससे हम साधक जो है अपने ऊर्जा को जो है संचित करके और आत्मा से, परमात्मा से सीधा बात कर सकते हैं। जैसे वहाँ के उगते हुए सूर्य का जो आनंद है, ध्यान के माध्यम से जब उगते हुए सूर्य का ध्यान किया जाता है, डूबते हुए सूर्य का ध्यान किया जाता है, तो उसकी अपने आप में बहुत बड़ी अनुभूति है। वो कहने का विषय नहीं, अपने आप में अनुभव करने का विषय है। हमें वहाँ का वातावरण, वहाँ की दिव्य चेतना, वहाँ का जो व्यवस्था है वो हमें बहुत अच्छा लगा और हम हर साधक से कहना चाहेंगे कि जीवन में कहीं कुछ पाना है तो एक बार शांति कुंज में 9 दिवसीय साधना और 1 महीना साधना के बाद यदि मुनस्यारी जाने का अवसर मिले तो अवश्य एक बार मुनस्यारी जाएं और अपने जीवन में, अपने जीवन के सौभाग्य को और उस अधूरेपन को, जिसके अधूरेपन के कारण मनुष्य आज समाज में भौतिकवाद की चकाचौंध में अकड़ रहा है, उस अकड़ को ठीक करने का यदि कोई माध्यम है तो ध्यान, जप और उपासना ही है। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि एक बार मुनस्यारी जैसे क्षेत्र में जहाँ हजारों ऋषियों का की तपस्थली है और हिमालय जैसे शिखर है, शांत वातावरण है और हर तरह से वहाँ साधना में बैठते ही मन लग जाता है, इसका हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया और सभी से निवेदन करेंगे सभी लोग इस अनुभव को अवश्य प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे शांति कुंड से मुनस्यारी शिविर के लिए विशिष्ट साधना हेतु चयन किया गया। हम लोग यहाँ से ग्रुप बना के 30 लोगों का बस द्वारा शांति कुंज से रवाना किया गया। रास्ते में इतने अद्भुत अलौकिक अनुभूतियाँ हुई कि ये बिना गुरुदेव की कृपा के संभव ही नहीं थे। फिर मुनस्यारी पहुँचते हुए वहाँ के जो व्यवस्थापक भाई लोग हैं उन्होंने इतना अच्छा सबका स्वागत किया, ऐसी अनुभूति हुई कि हिमालय में ऋषि सत्ता ने हमारे लिए साधना की इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, देख के एकदम से अद्भुत आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ। फिर 5 दिन वहाँ रह के हम लोगों ने जो मौन साधना करी और उसकी जो दिव्य अनुभूति हुई उसके लिए तो हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो सिर्फ अनुभव करने की और शब्दों से परे बात है। वहाँ पंचचूला की पहाड़ियों पे बैठे हुए जो ध्यान, जैसे ही ध्यान लगाते 1 मिनट में
ऋषि सत्ता, परम पूज गुरुदेव, महाकाल, सबके ऐसे लगता प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। और जब वहाँ यज्ञ करते थे तो ऐसा अनुभव होता था कि साक्षात जो हिमालय में ऋषि सत्ताएं हैं वो हमारे साथ बैठ के यज्ञ कर रही हैं। सच में ये जो 5 दिन के क्षण थे, ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव ने हमारे जीवन की झोली में कैसे डाल दिए हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूँगी कि जब भी मौका मिले, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, उसमें बैठ के अपने को कुछ समय ध्यान चिंतन करके जो अनुभूतियाँ होती हैं उसका तो शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। मैं नागपुर से आई हूँ, महाराष्ट्र जिले से। मेरा नाम रुक्मा मधुकर घोषकर है। हम यहाँ शांति को 7 तारीख को पहुँचे थे। बड़ी मुश्किल से हमारा मुंशहरी को जाने की तैयारी हुई। वहाँ पे गए, इतनी अच्छी व्यवस्था हुई, सब बाबू जी लोग, माता जी लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा दी उन्होंने हमको। कुछ भी कमतरता नहीं हुई हमको, और इतने मौन साधना हमारी बहुत अच्छी सफल हुई। और जब हम ध्यान में लगते थे पहाड़ पे, यानी शंकर जी का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, और ध्यान में लगे तो हमको कुछ ऐसे लग रहे थे कि गुरु जी माता जी हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे। और बहुत यानी ये लगा हमको गुरुदेव से मिलने के बाद। और इतनी अच्छी साधना में, इतना अच्छा मुंशहरी का ये है कि बहुत ही ये अच्छा लगा। और गुरुदेव का जितनी भी अनुभूति बताई उतना कम है। ध्यान में इतना अच्छा लग रहा था कि गुरुदेव खास अपने पास ही है, हृदय में बैठे। माता जी का भी दर्शन इतना अच्छा हुआ कि बहुत ही, और सेवा में लगे लोग को, जैसे हमको सेवा दे रहे थे वही हमारे गुरु जी और माता जी है, ऐसे हमको लग रहा था वहाँ पे। और बराबर नियमित से हमने उनका सब पालन पोषण किया। और इतनी अच्छी हिमालय में साधना कहीं नहीं मिल सकती। हमारा नाम आंसू है। हम यहीं हरिद्वार से 35 किलोमीटर दूर गांव है हमारा तेलीवाला करके। हम यहाँ से हरिद्वार से मुंशहरी के लिए गए। वहाँ हमें बहुत सारी अनुभूति हुई, मतलब हमारे कई तरह के प्रश्न थे, हमें उनके उत्तर मिले। और मैंने ध्यान की उन गहराइयों को समझा कि अध्यात्म सच्चे अर्थों में क्या है, कि वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना, यही अध्यात्म के स्वरूप को हमने जाना। और उस हर क्षण स्वयं को उस गुरु सत्ता के सारिध्य में हम अनुभव किए कि मैंने प्रत्यक्ष में गुरु सत्ता हमारे सतत, हम उस प्रेम के प्रवाह को अनुभव करते रहे, जैसे गुरुदेव वंदिया माता जी के हमारे साथ हैं, हम उनके पास बैठे हैं। हर समय हमने उनके उस दिव्य प्रेम को अनुभव किया। और मैंने अध्यात्म के को सच्चे अर्थों में समझा कि प्रेम वो तत्व है जिसमें जो हमें हमारी उस विराट सत्ता ने, हमारी आराध्य सत्ता ने हमें दिया, कि यात्रा अपने आप से अपने आप की है। और प्रेम के उन रंगों को जो गुरु सत्ता से हमें मिले, उन्हें बस हमारा इतना ही प्रयास है कि हम उन रंगों को जहाँ भी हम रहें उन्हें हम अपने आराध्य सत्ता का जो हमें उपहार स्वरूप आशीर्वाद हमें मिला, तो हम सब में उस उपहार को बांटें। और इस जीवन यात्रा में अनुभव किया कि अपने आप को ही ठीक करना और ध्यान के माध्यम से उन गहराइयों में उतरना, स्वयं को जानना, ये हम अनुभव किए। और कई प्रश्न हमारे थे, उनके उत्तर हमें मिले। और व्यक्ति, हमें ऐसा लगता था कि शायद हमें बाहर से कोई मार्गदर्शन दे, परंतु हम इस बात में स्पष्ट हुए कि व्यक्ति के वो गुरुसत्ता हमारे अंतःकरण में है, और हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे अंतःकरण से ही मिलेंगे। और हम वहाँ सभी से मिले, सभी बहुत अच्छे हैं, और आभार व्यक्त करते हैं उन सबका। उन सब में, मुंशहरी में हमने सभी लोगों में उस प्रेम तत्व को अनुभव किया जो हमें हमारी गुरुसत्ता ने हमें दिया। और उनके असीम प्रेम को हम हर पल हर क्षण अनुभव करते रहे। मुंशहरी यात्रा को अपने सपनों की यात्रा समझते थे, और वैसा ही आके प्रत्यक्ष भी हुआ। बहुत युवा अवस्था में कभी सपना देखा था कि हम पहाड़ों के बीच में यज्ञ कर रहे हैं,
मुझे लगा ऐसा सपना कैसे आ सकता है, हम कहाँ जा रहे हैं, भूल गए थे इस बात को। लेकिन कल जब हम यज्ञ कर रहे थे, सामने हिमालय की वादियाँ थी, वो सपना फिर से याद आ गया। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में तो कुछ भी कहना वो ना ही कहना ठीक है, क्योंकि गुरुदेव की व्यवस्था है। और इतना ख्याल तो हमें लगता है हम घर में अपना खुद भी नहीं रखते हैं, तो हम यहाँ किसी दूसरे को कुछ कहें मुझे लगता है थोड़ी बेईमानी सी हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं कहना है, बहुत ही जो भी सर्वोत्तम हो सकता था वो यहाँ पर प्रत्यक्ष है। और साधना की अनुभूति जो हम कहना चाहते हैं, साधना यूँ तो सब जगह अनुभूति ही उसकी विशेष होती है। और ये यहाँ आकर के जो अपने को आत्मविस्मरण की स्थिति में पहुँच जाता है आदमी, ये मुझे कुछ खास लगा कि बहुत कुछ याद नहीं आता है, और याद रहते हैं तो गुरुदेव रहते हैं और उनसे की जा रही बातें रहती हैं। मैं योगेश थवाइत जशपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और मुनस्यारी साधना की ललक ऐसी जगी कि मैं पिछले दिनों बसंत पर्व से 40 दिनों का सवा लक्ष्य का मैंने अनुष्ठान किया, और एक दिन ध्यान में जब बैठा था तब सूर्य भगवान से यह प्रेरणा जगी, मुझे 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहिए, मैंने किया। और उसके बाद फिर मुनस्यारी साधना का मन में भाव आया, मैंने फॉर्म अप्लाई किया और भगत जी का फोन आया मेरे पास, और फिर शिविर के लिए आप रेडी हैं, मैंने कहा जी कोई परेशानी नहीं, और फिर शिविर में हम पहुँच गए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस शिविर में जो हम 24 साधकों का दल है, वह अपने आप में भूतपूर्व है, एक से एक उच्च स्तर के साधक हमारे इस दल में मौजूद हैं, और उनकी प्रेरणा और उनका अनुभव जो हमें मिला, निश्चित ही यह गुरुदेव की परिकल्पना थी, और गुरुदेव हमें उस शून्य से उठाकर उस 1000 में पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ हमारी गिनती भी कहीं एक हीरे के बराबर हो। निश्चित ही यह जो साधना है, मैं आदरणीय बाबूजी ने जब मैं यहाँ पहुँचा तो उन्होंने सामूहिक रूप से कहा था कि जो यहाँ भर के आया है वो कुछ भी लेके नहीं जाएगा, और वाकई मैं भर के आया था और मैं खाली होके जा रहा हूँ। और खाली ऐसा कि अब जीवन में जो भी भाव थे, क्लेश कलमश कषाय थे, वे सारे दूर हो गए। और इस भाव विभलता का कारण बस यही है कि मैं अब खाली होकर जा रहा हूँ। और निश्चित ही गुरुदेव ने जिस एक कली को पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, वह अब फूल बनकर खुशबू बिखेरने का काम करेगी, और गुरुदेव के लिए सतत आजीवन समर्पण बना रहेगा। और यहाँ की जो अनुभूति है, गुरुदेव ने मुझे यही आभास दिलाया कि बेटा तेरा संबंध जन जन्मांतर से है, और अगले जन्म के लिए भी मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।